लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। लोकल ट्रेनों में यात्रा की छूट देने की मांग के साथ आज कृषि मंडियों के माथाड़ी कामगारों ने वाशी रेलवे स्टेशन पर आंदोलन किया। माथाड़ियों के इस आंदोलन को बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर, जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत और माथाड़ी नेता नरेंद्र पाटिल ने भी समर्थन किया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर ने कहा कि माथाड़ी कामगार भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, फिर भी उद्धव सरकार उन्हें रेल और बस यात्रा की छूट देने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने आंदोलन के बाद माथाड़ी भवन में आयोजित चर्चा बैठक में भी हिस्सा लेते हुए कहा कि बीजेपी माथाड़ियों के न्याय दिलाने हर संभव प्रयास करेगी। अब एपीएमसी के माथाड़ी और मापाड़ी कामगार भी फ्रंटलाइन वर्कर की तरह लोकल ट्रेन और बसों में सफर कर सकेंगे। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर ने आज वाशी स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों से मुलाकात और चर्चा के बाद माथाड़ी कामगारों को यह भरोसा दिलाया। प्रवीण दरेकर ने माथाड़ी भवन में भी एक बैठक में हिस्सा लिया, जहाँ माथाड़ी मापाड़ी कामगारों और ट्रांसपोर्ट तथा कारोबारियों से जुड़े तमाम मुद्दों पर समाधान के लिए चर्चा की गई। इस दौरान माथाड़ी नेता नरेंद्र पाटिल, बीजेपी के नवम्बई जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत समेत कामगार, ट्रांसपोर्ट और व्यापारी संगठनों के तमाम प्रतिनिधि भी मौजूद थे। प्रवीण दरेकर ने कहा कि एपीएमसी अति आवश्यक सेवाओं में शामिल है, इसलिए उसमें काम करने वाले माथाड़ी कामगार भी मेडिकल और सरकारी कर्मियों की तरह फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इसलिए उन्हें भी ट्रेन और बसों में यात्रा की छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने खेद जताया कि नरेंद्र पाटिल की तमाम मांगों के बाद भी उद्धव सरकार माथाड़ियों को न्याय देने के पक्ष में नहीं दिख रही। दरेकर ने अभी भरोसा दिलाया कि बीजेपी इस मामले को लेकर राज्य सरकार से चर्चा करेगी और माथाड़ियों को यात्रा का हक दिला कर रहेगी। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा। माथाड़ी कामगार जो पसीना बहाने वाला कामगार है, वो आज पेंडेमिक सिचुएशन में अपने न्याय मांगने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। एक अच्छा आदर्श आंदोलन कानून में नियम में बैठ के उन्होंने किया। वाशी रेलवे स्टेशन के बाहर तीन प्रमुख मांग उन्होंने रखी थी। माथाड़ी के नेता हमारे सहयोगी नरेंद्र पाटिल जी और उनके सभी पदाधिकारियों ने माथाड़ी की तीन मांग सरकार के सामने इमीडिएट करने के लिए रखी है और उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए मैं विपक्ष का नेता करके आज उपस्थित रहा। एक तो अन्नधान्य कड़धान्य जो जीवनावश्यक पदार्थ है, वस्तुएं है, उनका चढ़ उतार और लेने जाने का काम करने वाला जो कष्टकारी पसीना बहाने वाला माथाड़ी है, उनको ही आज रेल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए अलाउड नहीं, तो उनको परमिशन दिया जाए। अत्यावश्यक सेवा में, इमरजेंसी सर्विसेज में उनको अकोमोडेट किया जाए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मांग, जो बीमा कवच इंश्योरेंस कवरेज उन्हें चाहिए, क्योंकि कई माथाड़ी हमारे गुजर गए हैं कोरोना की वजह से काम करते हुए, तो उनके लिए कोविड योद्धा की तरह उनको बीमा सुरक्षा कवच मिलने की आवश्यकता है। ये तीन मांग लेके आज वाशी रेलवे स्टेशन के बाहर आंदोलन हुआ। मैं सरकार को विनंती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि तीनों की तीनों मांग तुरंत पूरी करे, जल्द से ही पूरी करे। मैं भी आज राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को भी खत लिख के
ये तीनों मांग उनके सामने रखी। वहीं माथाड़ी मापाड़ी कामगारों के लिए लगातार प्रयास और आंदोलन कर रहे माथाड़ी नेता नरेंद्र पाटिल ने भी राज्य की उद्धव सरकार द्वारा लगातार की जा रही उपेक्षा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि जिन माथाड़ियों के दम पर एपीएमसी मंडियां चल रही हैं, उन कामगारों को यात्रा की छूट देने में सरकार आनाकानी क्यों कर रही है। नरेंद्र पाटिल ने विश्वास जताया कि प्रवीण दरेकर की दखल के बाद माथाड़ियों को उनका अधिकार मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।